yeah mm -hmm. गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं बना रही हूँ चाय जो मेरे वीडियो हमेशा देखते उन्हें पता ही होगा कि मैं सुबह उठते ही आ जाती हूँ किचन रूम में और बनाने लगती हूँ चाय पहले तो आप चाय का दो कप देखते होंगे लेकिन अब एक ही कप देखते होंगे क्योंकि मैं अब चाय पीना अवॉइड कर रही हूँ और मैं अब ग्रीन टी पी रही हूँ फटाफट मैं हस्बैंड को चाय दे देती हूँ हस्बैंड चाय पी करके ऑफिस के लिए जा चुके हैं अब यहाँ पे मैं फ्रेश वगैरह हो गई हूँ और कर रही हूँ पूजा एंड पूजा के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गया था क्योंकि अभी आश्वी भी है तो उसे भी देखना पड़ता है और भी बहुत सारे काम रहते हैं और जो ये व्लॉग है हर चीज कवर नहीं कर पाते हैं ना नहीं तो व्लॉग बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा फिर आप देखेंगे भी नहीं और आप छोड़ करके भाग जाएंगे वीडियो को लेकिन मेरे वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल भी रहेगा आप सभी को क्योंकि आप ये चीज देख पाएंगे कि कैसे कम उम्र में एकदम किचन वगैरह संभालना बेबी संभालना हस्बैंड को भी संभालना सबको संभालना कैसे ये सब मैनेज करती हो तो अगर आप मेरा वीडियोस देखिएगा तो आप मोटिवेट होइएगा तो आप भी बहुत सारी चीज़ों को सीख पाइएगा मेरे वीडियो के थ्रू जब तक आशफी सोई हुई है मैं सोची कि फटाफट हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ आज मैं सोची कि, कि कुछ अलग बनाती हूँ क्योंकि डेली आलू का भुजिया और पूरी यही सब दे रही हूँ तो मैं आज सोची कि नहीं आज तो मैं अपने हस्बैंड को कुछ अलग और कुछ अच्छा बना करके दूंगी तो मैं रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट क्या बनाना है इससे ये अच्छा होता है कि हमें सुबह उठ करके सोचना नहीं पड़ता है कि हमें ये बनाना है या फिर वो बनाना है लेकिन सारे काम एक जगह और अपने हेल्थ भी एक जगह अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है तो यहाँ पे साइड में जब तक मैं काम वगैरह कर रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारी साथ ही साथ मैं अपने लिए भी सत्तू घोल रही थी और मैं सत्तू पीती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहे और थोड़ा शरीर में ताकत रहेगा तभी तो हम लोग काम कर पाएंगे और वैसे भी अभी बेबी छोटी है तो हमें फीडिंग वगैरह भी करवाती हूँ तो इससे थोड़ा सा एनर्जी भी कम लगता है तो फिर खाना पीना पे तो हमें भी ध्यान देना ही पड़ेगा तो आप काम वगैरह को तो प्रायोरिटी दीजिए लेकिन अपने आप को भी प्रायोरिटी देना मत भूलिएगा क्योंकि आप ठीक रहेंगे तो सब चीज होते रहेगा तो यहाँ पे मैं फटाफट सत्तू पी लेती हूँ आप लोग भी ज़रूर सत्तू पिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है ठंडा होता है पेट के लिए तो मैं सोची कि आज अच्छा सा मैं कुछ बनाती हूँ सब्ज़ी में डेली मैं भुजिया वगैरह ही देती हूँ ऐसे मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चूजी है उन्हें गिना चुना ही सामान पसंद आता है वो हर चीज़ नहीं खाते हैं तो यहाँ पे मैं फ्रिज से मैंने धनिया पत्ता था थोड़ा सा रखा हुआ तो वो मैं लेकर आई और इसे फटाफट मैं तोड़ ली जो अच्छा था वो एक साइड कर ली और जो खराब था वो एक साइड कर ली तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं ब्रेकफास्ट बना क्या रही हूँ तो मैं आप लोग को बता देती हूँ आज मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ भंडारे वाली आलू दम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है आप लोग भी डेफ़िनेटली बना करके ट्राई करेगा एंड बहुत झटपट बन जाती है ज़्यादा टाइम नहीं लगती है, अगर आप लोग के पास भी टाइम वगैरह की कमी है और आप लोग को झटपट में ब्रेकफास्ट बनाना है तो मैं आप लोग को यही प्रेफर करूँगी कि ये जो भंडारे वाली आलू दम है ये बनाएं साथ ही साथ आप पूरी बना लें क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है खाने में भी टेस्टी लगता है अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको एक चीज भी अच्छा लगेगा कि मैं अपने जो वीडियो है इसमें रेसिपी वगैरह भी शेयर करते रहती हूँ जिससे आपको आइडिया मिलते रहेगी कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है मेरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको थोड़ी सी नॉलेज भी हो जाएगी कि यार ये चीज भी हम बना करके ट्राई कर सकते हैं हमेशा अलग अलग ब्रेकफास्ट बना करके ट्राई करना चाहिए अलग अलग चीज़ खाना चाहिए इससे खुद में भी अच्छा लगता है एंड हस्बैंड लोग के लिए भी अगर टिफ़िन वगैरह बनाना है तो आप भी ये सब बना सकते हैं तो रेसिपी यहाँ पे मैं बता देती हूँ यहाँ पे मैंने सबसे पहले तेल डाला उसके बाद में फ़ोरन वगैरह जो भी पड़ता है वो जो बेसिक फ़ोरन रहता वो, यहां है वो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो दालचीनी है वो ऐड किया था इलायची ऐड किया था उसके बाद में प्याज डाली थी फिर अच्छे से चला ली तेज डालना बिल्कुल मत भूलिएगा तो अब फटाफट बेसिक मसाला सब डाल देते हैं सबसे पहले जीरा पाउडर डालिएगा फिर धनिया पाउडर डालेगा गरम मसाला डालेगा मीट मसाला डालेगा ये सब को डाल करके और हल्दी नमक और जो मिर्ची है पाउडर वाली वो भी डाल करके अच्छे से चला लीजिएगा चलाने के बाद फिर टमाटर डालेगा उसके बाद में अच्छे से उसे चला करके अच्छे से सॉटे कर दीजिएगा फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेगा एंड उसे अच्छे से भूंजने दीजिएगा जब वो अच्छे से भुजा जाएगी तो फिर और पानी डाल करके लास्ट में आप आलू डाल दीजिए मैं सारी वीडियो को एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके बना रही हूँ तो आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में ना भी आए तो आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं ऑप्शन रहती है यूट्यूब के उधर सेटिंग पे तो आप ऐसे करके देख सकते हैं तो मेरे हसबैंड को ना बहुत ज्यादा पसंद है इडली तो आज मैं ना इडली का जो चावल और जो उड़द का दाल होता है वो फूलने के लिए डाल दी थी रात ही को तो यहाँ पे फूल गया है अच्छे से तो मैं उसे अब पीसूंगी तो सबसे पहले आप थोड़ा सब्जी वगैरह को भी चला लेते हैं एंड आप बिलीव नहीं करेंगे इसका जो अरोमा था ना इतना अच्छा आ रहा था ना इतना अच्छा अगर आप लोग भी ये वाला ट्राई करेंगे ना आप लोग भी फैन हो जाएंगे मुझे पता है कि आप लोग सबको आता ही होगा बेसिक से सब्जी है लेकिन दूसरे दूसरे के लोग का तरीका भी होता है अगर आप मेरा तरीका का बना करके देखे क्या पता आपको मेरे तरीके का बहुत ज्यादा पसंद आ जाओ तो सब्जी तो बन के तैयार हो गई अब मैं बोली कि सारे काम एक तरफ अब आशवी एक तरफ तो फटाफट मैं आशवी को तेल वगैरह सब कुछ लगा दी क्योंकि उसके बॉडी वगैरह भी पेन होती है अगर तेल वगैरह ना लगाऊ ऑयल ऑयल मसाज ना करूँ तो तो ऑयल मसाज मैंने कर दिया और उसको खेलने के लिए साइड में मैं उसे रख दी फटाफट अब आ जाते हैं पूरी की और अब बहुत ज्यादा लेट भी हो रहा है हस्बैंड का ब्रेकफास्ट के लिए और हस्बैंड को ब्रेकफास्ट भेजना है तो लगभग साढ़े नौ हो गया था इतना टाइम लग जाता है आश को आप देख ही सकते हैं कैसे मैं मैनेज करती हूँ यहाँ साइड में मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना होता है एंड यहाँ पे आशी भी इतनी परेशान करती है हर टाइम किचन रूम के साइड में आ जाती है अब तो उसको किचन रूम के अंदर तो मैं रख नहीं सकती ना बिकॉज बहुत सारा गैस वगैरह का, का काम करती हूँ तेल वगैरह होता है कहीं गिर गया या फिर लग गया कुछ भी चोट वोट तो फिर डर लगता है ना इसी इसीलिए मैं उसे हमेशा दूर ही रखती हूँ भंडारे वाली आलू की सब्जी एंड बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में तो अच्छी है लेकिन खाने में इससे ज्यादा अच्छी है तो आप लोग बना करके जरूर ट्राई कर सकते हैं ये एक अच्छा ब्रेकफास्ट है तो आप अगर सोच रहे हैं कि क्या बनाओ यार ब्रेकफास्ट में तो कल बना करके ये जरूर ट्राई करिएगा कमेंट में जरूर लिखेगा तो चलिए अब तो मेरा ब्रेकफास्ट कर बारी है हस्बैंड को तो मैंने ब्रेकफास्ट बना करके टिफिन वगैरह मैं पैक करके दे दी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था इसीलिए मैं वो सीन रिकॉर्ड नहीं की टिफ़िन वगैरह पैक करते हुए तो मैं जल्दी जल्दी दे दी हूँ अब मैं किचन रूम में आ गई हूँ मेरा ब्रेकफास्ट हो गया कम्प्लीट तो यहाँ पे जो मैंने इडली के लिए जो चावल और उड़द की दाल जो रखी थी पीसने के लिए ये फटाफट मैं पीस लेती हूँ एंड यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बैटर हो गया है ये एकदम आपको फाइन रखना है ना ही ज्यादा मोटा ना ही ज्यादा पतला एकदम फाइन होना चाहिए एंड बहुत लोग चावल का चावल और जो उड़द का दाल है अलग अलग रखते हैं फूलने के लिए डेफिनेटली आप वैसे ही रखिए मैं तो जुगाड़ में बना लेती हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में लेकिन आप लोग ऐसे बिल्कुल मत करिए आप लोग सेपरेट ही रखिए इससे ज्यादा अच्छा बनता है इडली जैसे कि मैं बोलती हूँ किचन रूम इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड सब कुछ मेंटेन करके रखने वाली चीज है तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह जो भी मेरी गंदी हो हो रखी थी तो सारे धो के मैं सारे को ऑर्गेनाइज कर दी हूँ क्योंकि आपको पता है क्या अगर हम लोग फैला करके रखेंगे तो करना तो हमें ही है और कोई दूसरा तो करके नहीं देंगे हमें तो फिर क्यों इतना फालतू में किचन रूम को मैसी रखना और गंदा रखना और आपको पता है क्या मेरे साथ ऐसा ही होता है अब जब थोड़ा गंदा वगैरह रहता है तो मुझे ना टेंशन होने लगता है कि कब साफ करूँ कब साफ करूँ तो अगर मैं रूम में भी आ जाऊँ या कोई दूसरा काम भी करूँ तो मेरा ध्यान किचन रूम में ही अब रहता है कि यार इतना गंदा है मुझे साफ करना है मुझे साफ करना है तो मैं कोई भी चीज़ में ना मतलब खुश नहीं रह पाती हूँ मेरे साथ अब ऐसा होने लगा है फाइनली आप ये देखिए मेरा किचन रूम साफ हो गया है ओ माय गॉड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एंड जब किचन रूम साफ होता है तो हर हाउस वाइफ ही खुश रहती है क्योंकि उनको किचन रूम में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है ना मुझे पसंद है ना आप लोगों को पसंद होगा ना कोई भी हाउस वाइफ को पसंद हो तो चलिए ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया है अब लगभग साढ़े बारह बज रहा है तो अब लंच का प्रिपरेशन कर लेते हैं नहीं तो लेट हो जाएगा आप लोगों को पता ही है मेरे हस्बैंड का आने का टाइमिंग दो से तीन रहता है कभी कभी दो बजे आ जाते हैं कभी कभी ढाई कभी कभी तीन भी बज जाता है तो चलिए अभी हम लोग दाल वगैरह बना रहे हैं तो मैं दाल में ना एक दाल यूज़ नहीं करती हूँ मैं चार पाँच जो वेराइटी के दाल वगैरह रहते हैं मैं सारे को मिला करके अच्छे से बनाती हूँ इससे अच्छा होता है प्रोटीन वगैरह भी सही रहती है और खाने में भी अच्छा लगता है आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं मैं अब सिंगल दाल बनाती हूँ ना तो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है लेकिन मैं चार पांच जो दाल है सारे मिला करके बनाती हूँ ना तो बहुत टेस्टी बनता है आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं आशवी को देखिए यहाँ पे आशवी पूरा मतलब जो हॉल रूम है ना वो ऐसे घिना करके रख रही है वो हर चीज़ गिराती है लेकिन क्या करे उसका यही टाइम है अभी नहीं गिराएगी तो कब गिराएगी जब तक आशवी हॉल रूम में बैठी है टीवी देख रही है और खेल रही है मैं तब तक रूम में आ गए और बेड वगैरह सब ठीक करने लगी तब तक वहाँ पे किचन रूम में दाल बनी रही है और यहाँ पे मैं फटाफट बेड बेड को अच्छे से अरेंज कर लेती क्योंकि गंदा बेड रहता है तो फिर कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता है रूम में घुसते ही बेड साफ होना चाहिए तो मन करता है यार थोड़ा लेट जाऊ थोड़ा बैठ जाऊँ लेकिन बेड गंदा रहता है तो अलग से ही चिड़चिड़ापन चीर होने लगता है मेरे साथ तो होता है आप लोगों के साथ भी जरूर होता होगा और आपको पता है क्या अभी आशमी ना जितना परेशानी करती है जितना परेशान मुझे करती है और जितना बदमाशी भी करती है मुझे ना नहीं होता ऐसा कुछ परेशानी करती तो वो है लेकिन मुझे होता नहीं मैं ना इन्जॉय करती हूँ सब पल क्योंकि आप लोग को भी पता है कि ये जो चीज़ है ये जो फेज़ है ये आज है कल तो फिर धीरे धीरे वो बड़ी होने लगेगी फिर ऐसे ना ही वो कुछ घिनाएगी ना ही कुछ गंदा करेगी और ऐसे देखते देखते बड़ी भी हो जाएगी तो अभी अचानक से मेरा एक पार्सल आ गया तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो पार्सल में क्या है थोड़ी देर बाद में आपको मैं बताऊंगी कि इस पार्सल में क्या आया है एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ चलिए अब किचन रूम में आ जाते हैं तो यहाँ पे मैं चावल भी चढ़ा दी हूँ एंड चावल में मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है तो मेरे पास ना आप बिलीव नहीं करेंगे आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो सोचते होंगे कि ये सिर्फ भिंडी का ही भुजिया बनाती है लेकिन ट्रस्ट मी गाइस क्या करूँ इतना सारा भिंडी है ना इतना सारा कि खत्म ही नहीं हो रहा मैं इतना ज्यादा ज्यादा बना रही हूँ कि खत्म हो लेकिन खत्म हो ही नहीं रहा तो क्या करूँ गाइज और यहाँ पे क्या होता है हमें राशन में भी मिलती है ना भिंडी तो हम लोग ऐसे खुद भी खरीद के लेकर आए और इस बार राशन में बहुत ज्यादा भिंडी दे दिया तो फिर ख़त्म ही नहीं हो रहा तो मैं डेली बना बना के इसे खत्म कर रही हूँ तो चलिए फटाफट हम भिंडी बना लेते हैं और ऐसे मैं भिंडी का रेसिपी कुछ शेयर खास की नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है भिंडी बहुत ज़्यादा इजी है बनाना आप लोग तो मुझसे ज़्यादा ही अच्छा भिंडी बनाते होंगे डेफिनेटली मुझे पता है एंड यहाँ पे देखिए मैं फटाफट दाल वगैरह छोंक ले रही हूँ एंड अब आशवी को मैं जा रही हूँ खिलाने के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया यार उसको खिलाना पिलाना ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों का खाना पीना से तो यहाँ पे देखिए आज भी तो आज तो घर का हालत बहुत ज़्यादा खराब कर दी है और यहाँ पे वो ख़राब करते फिर रही है और मैं उसे ठीक करते फिर रही हूँ हम हम दोनों माँ बेटी का यही हो रहा है वो घिना रही है मैं साफ़ कर रही हूँ चलो कोई बात नहीं ये भी टाइम बीत ही जाएगा धीरे धीरे करते अब वो तो थोड़ी थोड़ी समझदार हो ही रही है कुछ दिन बाद में ज़्यादा हो जाएगी तो चलिए फटाफट उसे हम फीड करवा देते हैं तो यहाँ पे मैं सैडलैग खिला रही हूँ उसे कभी कभी मैं हैंडमेड सैडे भी खिला देती हूँ कभी कभी जो वो पैकेट वाली मिलती है ना वो वाली भी खिला देती हूँ अब मेरे हस्बैंड आ चुके हैं अब फटाफट हम फूड सर्व कर लेते हैं काफी लेट हो चुका है एंड इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि कुछ काम करने का मन भी नहीं कर रहा है ऐसा लग रहा है फटाफट काम वाम करो और बस रूम में जाके बैठ जाओ एसी ऑन करके आप लोगों को भी ऐसा ही फील होता होगा तो आज की वीडियो बहुत ही लंबी हो गई सॉरी फॉर दैट और मुझे प्लीज सजेस्ट करिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ और मुझे कुछ आइडिया आता ही नहीं है तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दी